एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में ईदगाह बस स्टैंड के पास कार में मिली लाश, मची सनसनी। एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए। आगरा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सनसनी खेत वारदात ने हर किसी को चौंका दिया। शनिवार शाम को ईदगाह बस स्टैंड के पास एक डिजायर कार के अंदर एक व्यक्ति की लाश मिली। किसी व्यक्ति ने जब इसे देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। कार के अंदर लाश की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। एसपी सिटी ने बताया कि कार के अंदर लाश होने की सूचना एक व्यक्ति के द्वारा दी गई। कार के अंदर से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लाश थोड़ी फूली हुई है, हालांकि वह ज्यादा पुरानी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। ईदगाह बस स्टैंड चौराहे काफी व्यस्तम चौराहे है, ऐसे में यहाँ कार कैसे पहुंची और मृतक कौन है इसका पता कर उसके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। सर आज एक गाड़ी में सर देखो ईदगाह बस स्टैंड के पास एक डिजायर गाड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला है। बॉडी थोड़ी फूली हुई अवस्था में है और पुलिस को इसकी सूचना एक व्यक्ति द्वारा दी गई। मौके पे हम लोग इसका मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। फील्ड यूनिट को भी बुलाया है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है। बॉडी को सारे साक्ष्य संकलन यहाँ पे करने के बाद जो है उसको पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जाएगा। उसके घर वालों को भी है जो है वो सूचित किया जा रहा है। देखिए बॉडी ज़्यादा समय पुरानी नहीं होगी क्योंकि ये व्यस्ततम चौराहों में से एक है और आज कर्फ्यू होने के बावजूद बस स्टैंड हमारे सारे खुले हैं। तो एक व्यक्ति ने सूचना दी है, अभी कितनी कब की होगी बॉडी ये सब पीएम में जो है वो आ जाएगा। सर जिस प्रकार से लॉकडाउन आज से लागू हुआ और चेकिंग भी कर रहे हैं उसके बाद में भी ये बॉडी यहाँ, देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, हो सकता है कोई बस स्टैंड में छोड़ने के लिए आया होगा और उसी समय में घटना जो भी है उसको क्या मेडिकल कंडीशन हुई है, क्या है एग्जैक्टली घटना, ये पीएम के बाद पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? ये बोलना बहुत मुश्किल है, पीएम जब तक नहीं होता तब तक मैं कमेंट कैसे कमेंट कर सकता हूँ।